हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास की हिस्ट्री। और 7th क्लास तक की हिस्ट्री जो है अपनी वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने 6th क्लास की हिस्ट्री कर ली है, ज्योग्राफी कर ली है, एंड ये 7th क्लास की भी हिस्ट्री हम कर चुके हैं। और हम 8th क्लास की आज से हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये 17 चैप्टर है, जो कि इतिहास में जब आप 8th क्लास की बुक में देखोगे, RBSC बोर्ड की जो बुक्स हैं जो हमारे राजस्थान में चलती हैं, उनमें आपको ये जो है चैप्टर नंबर 17 मिलेगा। इतिहास में जो सबसे पहला चैप्टर है क्लास 8 का है, और जिसका नाम है मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का भारत। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई? तो देखो, जो औरंगज़ेब था उसकी मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में हुई थी। और कब तक मुगलों का प्रभाव केवल दिल्ली शहर और उसके आसपास तक रह गया था? तो 1730 जो ईस्वी थी तब तक क्या हुआ, जो मुग़ल हैं उनका प्रभाव और दिल्ली शहर और उसके आसपास रह गया था। बाद में शासकों के विलासी होने, यानी कि जो शासक थे बाद के वो कैसे थे, विलासी थे। और अहमद शाह अब्दाली एवं नादिर शाह की ने जो लूटे करी थी उससे क्या हुआ, मुग़लों के जो खजाने थे वो सब खाली हो गए थे। नेक्स्ट, नादिर शाह इस लूट के साथ साथ और क्या ले गया? तो देखिए, जो नादिर शाह था वो इस लूट के साथ साथ में जो बहुमूल्य हीरा था कोहिनूर, क्या था, बहुमूल्य हीरा कोहिनूर और तख्ते हाउस, यानी मुग़लों का जो मयूर सिंहासन था उसको अपने साथ ले गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम तो आ चुका है मयूर सिंहासन, और आगे भी पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। तो यह घटना कब की है? तो देखिए, ये है भोजनशाला में 3 दिन तक आग तक नहीं जली, और जब शहजादियाँ थी वो भूख सहन ना कर सकी तो उन्होंने पर्दा फेंक कर बगावत कर दी। बड़ी कठिनाइयों से उन्हें जो है रह निवास में लौटने के लिए जो है मानना पड़ा। तो ये पूछ रहा है कि ये जो घटनाक्रम है, ये जो भोजन वाली जो शहजादियों की के साथ जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है कि यह जो घटना है ये किस समय की है। तो यह घटना 1755 ईस्वी की है, 1755 ईस्वी की। तो देखिए, उस समय जो मुग़ल बादशाह हुआ करते थे, कभी मुग़ल जो थे वो कितने शक्तिशाली थे, और देखिए उनकी क्या स्थिति हो गई थी, जब जनता की, जब रानियों की ही यही स्थिति थी, तो मान के तो आप सोचिए कि जो जनता होगी उसकी कितनी भयानक स्थिति हो गई होगी। नेक्स्ट है, औरंगज़ेब किससे नफरत करता था? तो औरंगज़ेब हिंदुओं तथा जो सिया मुसलमान थे उनसे नफरत करता था, क्योंकि देखो जो औरंगज़ेब स्वयं था ना वो सिया और सुन्नी दो प्रकार के होते हैं। तो ये जो औरंगज़ेब है ये खुद सुन्नी मुसलमान थे, और ये जो सिया मुसलमान थे उनसे नफरत करता था और हिंदुओं से नफरत करता था। नेक्स्ट, मुग़ल काल में भारत में व्यापार करने के लिए कौन कौन आए? तो देखो, मुग़ल काल के समय भारत में पुर्तगाली आए, अंग्रेज़ आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, ये सब लोग कहाँ से आए थे, समुद्री जो मार्ग हैं वहाँ से व्यापार करने के लिए भारत आए थे। मुग़लों के पतन का अंतिम कारण क्या था? तो मुग़लों के जो पतन हुआ उसका अंतिम कारण था अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया था, यही उनकी सबसे बड़ी जो अंतिम कारण था जो भारत में व्यापार के लिए बनी थी, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे ये सबसे पहले व्यापार की दृष्टि से हमारे भारत में आए थे। लेकिन इन लोगों के मन में तो कुछ और ही था, और जो कि औरंगज़ेब को पता नहीं चल पाया कि ये क्या चाहते हैं ये लोग। तो देखो, इस कारण से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया, व्यापार उन्होंने सोचा कि ये व्यापार की दृष्टि से आया है, लेकिन व्यापार की दृष्टि करने के चक्कर में हम भारतवासियों को ही गुलाम बना लिया। नेक्स्ट, 10वीं सदी में भारत के विभिन्न भागों में प्रमुख राजनीतिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए, इस समय की जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं, मराठे हैं, जाट हैं, हैदराबाद, अवध, बंगाल और मैसूर है। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मराठा साम्राज्य की जो स्थापना है वो महाराष्ट्र शिवाजी ने की थी। पेशवा बाजीराव ने मराठा शक्ति के प्रसार के लिए भारत के किन प्रांतों में कर दिया? तो देखिए, भारत के अन्य प्रांतों, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड आदि में कर दिया। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो देखिए, 1761 ईस्वी में अब्दाली शाह के साथ और मराठों के, अब्दाली शाह था और उसके साथ वर्सेज मराठा के साथ यह युद्ध हुआ। किस ईस्वी तक आते आते मुग़ल सम्राट व वजीर भी मराठों के नियंत्रण में आ गया? तो ये 1752 ईस्वी तक आ गया। आगे देखते हैं, मथुरा में जो है जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगज़ेब की धार्मिक नीतियों का विरोध में विद्रोह कर दिया? तो जाटों ने क्या किया, गोकुल के नेतृत्व में किया। जाट साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? तो बदन सिंह के नेतृत्व में हुई। जाटों की शक्ति का विकास किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये महाराजा सूरजमल थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वीर थे, योद्धा थे।
राजस्थान के किस शासक ने अंग्रेजों के जो विरुद्ध है यशवंत राय राव होलकर की सहायता की? तो ये यशवंत राव होलकर की सहायता भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने की थी। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? तो मुगलों के जो मनसबदार थे निजाम चिन किलिया खान ने दक्षिण में 6 मुगल सूबों को मिलाकर हैदराबाद राज्य की स्थापना करी थी। मराठों ने उसे किस युद्ध में पराजित किया? तो उसे पाल खेद का कोई युद्ध था। कौन सा पाल खेद का युद्ध था जिसमें कि मराठों को पराजित किया? बाद में हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। अवध का मुगल सूबेदार कौन था? तो अवध का जो मुगल सूबेदार था सादत खां था। अवध का शासक सिराजुद्दौला किस युद्ध में हार गया? तो बक्सर के युद्ध में हार गया। यह हुआ था 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट, अवध पर भी अंग्रेजों का अब नियंत्रण हो जाता है। बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखो बंगाल राज्य है उसकी स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। इसने बंगाल बिहार उड़ीसा क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम कर लिया। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1557 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। मैसूर पर किस वंश के राजाओं का राजाओं का राज्य था? तो मैसूर पर वाडियार वंश के राजाओं का राज्य था। हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का अंग्रेजों से निरंतर जो है संघर्ष होता रहा। अंग्रेजों ने मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो जो मैसूर में जो टीपू सुल्तान और हैदर अली हैं ये बहुत प्रमुख है। 18वीं सदी में राजस्थान के राजपूत राजा कौन कौन थे? तो देखिए आमेर के, जयपुर के, जोधपुर के और मेवाड़ के। नेक्स्ट, मालवा की सूबेदारी किसने प्राप्त की? तो जयपुर के जो सवाई जयसिंह है उन्होंने प्राप्त की। हुड़ा सम्मेलन कब हुआ, वह किसने बुलाया? तो जो हुड़ा सम्मेलन है ये मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सवाई जयसिंह एवं अन्य शासकों ने 1734 ईस्वी में राजपूत राजाओं का हुआ हुड़ा नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया। जयपुर राज्य की अंतिम प्रमुख सफलता सवाई जो प्रताप सिंह द्वारा जो है तुंगा के युद्ध में मराठों को पराजित करना था। जोधपुर के किस शासक ने जोधपुर को मुगलों से छीन लिया? तो अजीत सिंह ने मुगलों से छीन लिया। मुगल सम्राट फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो अजीत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मेवाड़ के किस शासक ने जयसिंह व अजीत सिंह को जोधपुर प्राप्त कराने की मदद की? तो मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने। तो फ्रेंड्स ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस थे, जितने क्वेश्चन बने थे वो बना दिए इंपॉर्टेंट्स। अब देखिए इसकी शब्दावली देख लेते हैं। दस्तक यानी आज्ञा पत्र चौथ होता है। देखो मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर, और ये है सरदेशमुखी यानी मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर मराठ। अब ये तो कुछ इसके वो थे शब्दावली। अब इसके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, इनको आप अच्छे से देख लेना। अगर आप खुद इनके आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि आपको ये पढ़ाया हुआ जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि कितना आपको समझ में आ चुका है। मराठों में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना को किस शासक ने भरा था? यशवंत राव होलकर की सहायता राजस्थान के किस शासक ने की थी? गंधर्व बाईसी किसके दरबार में रहते थे? मुगल में उत्तराधिकारी किस प्रकार प्राप्त होता था? 18वीं सदी में मराठों की दशा का वर्णन कीजिए। सवाई जयसिंह की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। किन किन मुगल सूबेदारों ने स्वतंत्र राज्यों की नींव डाली? किन्हीं तीन के नाम लिखिए। हुड़ा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था एवं इसके उद्देश्य क्या थे? मुगल साम्राज्य के पतन के किन्हीं चार कारणों का वर्णन कीजिए। 18वीं सदी में किन तीन राजपूत रियासतों का जो है राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन है इसमें चैप्टर में दे रखे हैं पीछे, इनको निकालने की आप कोशिश कीजिएगा जिससे आपको चैप्टर समझ में आएगा। तो ये था आज का चैप्टर नंबर 17, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और आप इसके साथ में नोट्स भी बना सकते हो और इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो और प्लीज़ आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। हम आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हो और आप लोग बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दे रहे हो, और एक लाइक तो बनता ही है इस वीडियो के लिए। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।